गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ये लेसन 15 का क्या लेने हैं? फ्रैक्शन। नेक्स्ट पेज में हमने क्या सिखाया? फ्रैक्शन का एक्सरसाइज असाइनमेंट 1 ने, अब असाइनमेंट 2। हाँ, ये और नया है, देखो पहले समझो, मैं दिखाऊं किस तरह है। श्लोक ठीक से रहो। देखो नेक्स्ट पेज हमें कलरिंग वाला पेज निकालना है। फ्रैक्शन कौन सा? पेज नंबर 113 ये वाला पेज है। देखो जो कलर वाला पेज दिया गया ना, ये अलग टाइप का, ये मैं समझाऊ आप लोग ठीक से। लिसन एवरीबॉडी, देखो कलर किया हुआ है, उसको आपको लिखना है। किस तरह कलर किया मैं ये समझाओ पहले। कलर किया है कितने पार्ट, वो आपको लिखना है। एक तरफ कलर खाली रहेगा, कितने कलर करना है, और एक तरफ कौन सी तरह कलर किया है कितने पार्ट, वो आपको करना है। ओके, चलो देखो पहले। पहले क्या दिया? सर्कल बनाया, सर्कल है ना, उसमें से सेंटर 1, 2, 3 के कितने पार्ट कलर किया गया? पार्ट। तो इसको कैसे लिखना होगा? 2 / 3 ऐसा लिखना है ना। जब पूरा है 1, 2, 3 वो आपको 2 कलर किया, 2 ऊपर होगा, और कितना टोटल है? 3 नीचे आएगा, मतलब 3 पार्ट के अंदर। सामने घुमा, कितना बार बोला गया? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, और उसके बाद में आप मत पढ़ो, मैं ब्लैक बोर्ड में समझा रही हूँ। इसके साथ बिल्कुल बातें मत करो, सामने देखो और यहाँ से समझो पहले। क्या किया? कितने पार्ट कलरिंग है? 2। तो हमें 2 / 3 क्या गया? नेक्स्ट देखो क्या आएगा। एक दो तीन चार, चार ब्रश बनाना है। ओके, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो कितना बॉक्स है उसमें काउंट किया आप लोगों ने? 3 टोटल कितने है? 6 के साथ टोटल काउंट करो पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना पार्ट है? 16। तो कलरिंग कितने है? 5। कैसा? देखो ये 2 है, नहीं पहले लास्ट कोने में ये 2 है। यस, ऊपर ऊपर 2 दिया गया, 2 फिर इसमें इस साइड में 2 फिर ऊपर 2 तो कितना कलर किया? 5। ओ, आपको ऊपर क्या लिखना है? 16 के ऊपर 5 by 16 भाग के अंदर 5 पार्ट कलर है। आप कितना गलत लिखा, देखा ना, गलत किया ना आपने, समझ में आया? ओके, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो कितने पार्ट बनाया गया, टोटल करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक सर्कल बनाओ, एक पूरा सर्कल बनाओ, बना के उसके सेंटर बिठाया। यस, 1
कलरिंग कितना करने कितने पार्ट कलर किया हमने? 1 2 3 ऐसा कलर दिया रहेगा, उसको आपको लिखना है किस तरह लिखना है। 3/8 किसको समझ में नहीं आ रही बताओ? आया सबको समझ में आया? नेक्स्ट देखो, पहले टोटल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो कितना है टोटल? 12 के अंदर कलरिंग आपने कितना किया? 11 तो यहाँ पे क्या लिखना है? 11 डिवाइड बाई 12 हो गया। अब ये फ्लावर क्या हुआ? 5 का यस। 3/8
के अंदर थूपा डालने कलर किए हुए हैं। और वहाँ पे क्या था, हमने 2x3 दिया होता है और कुछ कलर नहीं किया तो हमें क्या करना होता है, 3 पार्ट बना के उसको 2 पार्ट कलर करना होता है। ऐसे दोनों अलग है। नेक्स्ट देखो, 16 ब्लॉक बना हुआ है, उसमें हाइट क्या क्या कलर किया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, वह कुछ नहीं लिखा रहेगा, वही लिखना ही आपको है, नंबर से आपको लिखना होगा। नहीं, इसमें कुछ नंबर नहीं लिखा रहेगा, तो मैंने दिखाया लिख के, नहीं तो इसमें लिखा नहीं रहेगा, इसमें आपको नंबर लिखना है, समझ में आया ना। अभी मैंने ये राउंड करके आप लोगों को यही दूंगी, पहले इसे कलर कर दूंगी, आप लोग को लिखना है अपने आप। पढ़ोगे? चलो, बुक में नहीं है, नोटबुक में ड्रॉ करो और लिखो, और मैं यहाँ पूछूंगी ये क्या है। हाँ, नोटबुक के कोई भी नोटबुक के पीछे कर लो, चलेगा। कितना पार्ट कहाँ लिखना होता है, अपने आप में किसी को नहीं लिखाओगे, चुप के लिखो, मैं पूछूंगी सबको। वही वही वो इतना आंख नहीं जो आपका देख के यहाँ से लिखेगा, आपने खुद करो। ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा ही ड्रॉ करो और ऐसा ही लिखो।
आपको बहुत कम समझ में आता है, नहीं बेटा आप अलग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन सबके लिए एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। देखो हमने क्या निकाला है, बुक का है, ठीक से बैठो राम। वो उसके बना के कलर कर रहा है, अब आपका करो ना, उसका क्यों देख रहे हो, कर रहे तो करने दो, उसके कलर हमें क्या देखने का। बुक से किसी को नहीं मिलेगा, ये अलग अलग है। हाँ ये टू नंबर, ये थ्री नंबर, दूसरे को तरफ देखने के लिए ना बोला ना, किसी का भी मत देखो। मैंने यहाँ लिख दिया, चलो लिखो आप फटाफट, जल्दी मुझे आंसर चाहिए। बन गया राम, हो गया, मैं ले रही हूँ, आज तो कहीं जाने का उपाय नहीं आपका। चलो चलो कहानी से जाओ जल्दी, मैं टेस्ट ले रही हूँ, आप दिखाना नहीं, किसी को दिखाओ मत, सब देख के लिख लेगा, छुपा छुपा के लिखो, चुप चुप के लिखो, दिखाना नहीं किसी को। चलो किसका हो गया, वन नंबर आंसर बोलो क्या आएगा।
टीचर बोलते खड़ा होना चाहता है सीधा बोला नहीं सब नहीं ओनली हैंड्स अप मैंने क्या बोली ओनली फिंगर ये करो क्या आएगा इलेवन इलेवन बनाया मैंने नीचे हाँ